नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फिल्लर फोरम के शानदार मंच पर। हमारे फिल्लर फोरम के मंच पर तैयारी करवाई जाती है NTA, UGC, NET, JRF की लगभग सभी प्रमुख विषयों में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर पाएंगे ढेर सारे MCQ, PYQ, PDF, वीडियोज़, और वो भी सब कुछ साथियों निःशुल्क है, जिसका कि हम किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब आपके लिए। तो आप हमें इन सभी चीज़ों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। फिल्लर फोरम का हमारा ऐप होता है, ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो इससे पहले कि हम अपना चैप्टर की ओर बढ़ें, थोड़ा सा हम प्रीव्यू कर लेते हैं कि पिछली क्लासों के में हमने क्या क्या कंप्लीट करवा चुके हैं हम। तो जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले में हमने आप हिस्ट्री का ओवरऑल कंप्लीट व्यू बताया था, उसके बाद हमने स्ट्रेटेजी बताई थी आपको कि 2022 हाउ टू क्रैक NET JRF 2022 क्या क्या प्लानिंग थी उसमें पूरा बताया था। उसके बाद हमने हिस्ट्री का पहला चैप्टर करवाया था ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें कि साहित्य के बारे में बताया था, विदेश यात्रियों के विवरण के बारे में बताया था, और आज हम चर्चा करेंगे साथियों अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों से हमें इतिहास की कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रमुख रूप से साथियों अभिलेखों को दो भागों में बांटा गया है, पाषाण अभिलेख और धातु अभिलेख। तो पाषाण अभिलेख जो होते हैं वो स्तंभ अभिलेख, गुफा अभिलेख, शिला अभिलेख और भित्ति अभिलेख, ये प्रमुख चार इसके रूप होते हैं। पाषाण, पाषाण मतलब पत्थरों के ऊपर जो खुदे हुए अभिलेख पाए गए हैं साथियों, उन्हें हम पाषाण अभिलेख कहते हैं। जैसे कि अशोक अशोक के जो अभिलेख हैं वो पाषाण अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं। उनमें से भी स्तंभ अभिलेख होते हैं, जो पिल्लर्स के ऊपर, स्तंभ खम्भों के ऊपर, एक प्रकार से जमीन से ऊपर जो उठे हुए खम्भे बना दिए जाते हैं उनके ऊपर जो अभिलेख छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं साथियों, उन्हें हम स्तंभ अभिलेख कहते हैं। उसके बाद गुफा अभिलेख, गुफाओं के अंदर जो अभिलेख लिखे गए थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के मौर्य वंश में जो दशरथ हुए थे, उन्होंने बराबर की गुफाएं आजीवों को संप्रदाय को दान में दी थी, और बराबर गया बिहार के अंदर पड़ता है, उनकी गुफाओं के अंदर जो अभिलेख है उसे हम गुफा अभिलेख में के रूप में जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा शिला अभिलेख। शिला अभिलेख का मतलब होता है साथियों जो किसी बड़ी चट्टान के ऊपर, बड़े पत्थर पे, रॉक चट्टान के ऊपर जो अभिलेख खोदे जाते हैं साथियों, उन्हें हम शिला अभिलेखों के माध्यम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा भित्ति अभिलेख। भित्ति अभिलेखों में वे अभिलेख आते हैं जो कि दीवारों के ऊपर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं साथियों, ये प्रमुख रूप से स्तूपों के अंदर, मंदिरों के अंदर और अन्य प्रकार की कंस्ट्रक्शन जो होता है, इमारतें जो बनाई जाती है उनके अंदर जो दीवारों पर जो अभिलेख गुदवाए जाते हैं, खुदवाए जाते हैं, उन्हें हम भित्ति अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो ये चारों कंप्लीट हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी तरफ हमारे धातु अभिलेख। धातु मतलब मेटल, मेटल के ऊपर जो जो अभिलेख खोदे गए थे साथियों, निर्गत किए जाते हैं, उन्हें हम धातु अभिलेख के माध्यम से जानते हैं। जिनमें से प्रमुख रूप से कौन कौन सी धातुएं हैं, सबसे पहले है कि ताम्र अभिलेख, तांबे के ऊपर, कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस बोल देते हैं इनको, ताम्र अभिलेख, तांबे की प्लेटों के ऊपर जो अभिलेख खुदवाए गए थे साथियों। ताम्र अभिलेखों में ज़्यादातर आता है ये भूमिदान से संबंधित अभिलेख ज़्यादा हुए हैं। भूमिदान से के लगभग जितने भी भूमिदान से संबंधित अभिलेख हैं वो लगभग सभी ही ताम्र प्लेटों के ऊपर खुदवाए गए थे, कांस्य प्लेटों के ऊपर, ताम्र के साथ साथ तांबे के बाद कांस्य, कुछ जो शिला अभिलेख मिले हैं वो कांस्य कांस्य के ऊपर भी खुदे हुए अभिलेख मिले हुए हैं। उसके बाद लोह का नंबर आता है साथियों। लोह युग में के बाद ये 2000 BC, सॉरी 1 BC के बाद में जो है कुछ अभिलेख, हालांकि अपवाद स्वरूप है इसमें, कुछ अभिलेख हमें लोहे के पत्थरों के ऊपर भी खुदे हुए मिले हैं, और इक्का दुक्का शायद चांदी के पत्थरों पे भी मिला है। तो लेकिन प्रमुख रूप से हमारे ताम्र अभिलेख, कांस्य और लोह यही चलेंगे। और तो ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो साथियों आप जैसे कि बोर्ड पर देख पा रहे हो, ये
इंक्रिप्शंस अभिलेख में आगे चलेंगे। एपिग्राफी, कुछ टर्म्स ले लेते हैं पहले हम, कि एपिग्राफी पुरालेख शास्त्र जो प्राचीन लेखों के अध्ययन को, अध्ययन जिस टर्म में किया जाता है वो एपिग्राफी कहलाती है, पुरालेख शास्त्र कहलाता है। पेलियोग्राफ यानी कि लिपि शास्त्र, प्राचीन भाषाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे पेलियोग्राफ कहते हैं या लिपि शास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार से पेलियोग्राफ, पेलियोग्राफ जिसमें प्राचीन तिथियों का है, ओल्डेस्ट डेट जिससे हम निकालते हैं, वो जो फील्ड है उसे हम पेलियोग्राफ कहते हैं, तिथि शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस काम में कनिंघम का नाम आता है। 1877 में कनिंघम ने मौर्य काल के, मौर्योत्तर काल और सातवाहनों के, और ये आपके गुप्त और गुप्तोत्तर काल के जितने भी अभिलेख हुए थे उनको, उस समय पर जो पाए गए थे उनको कार्पस इंडिक्रिप्शन और इंडिकेरम के नाम से एक पुस्तक बनाई उन्होंने, कार्पस इंस्क्रिप्शन ऑफ कार्पस इंडी इंक्रिप्शन इंडिकेरम के नाम से पुस्तक में प्रकाशित किया था। सारे ही अभिलेख जो उस समय के उनको प्रमुख रूप से मिले थे, तो अगर हम देखा जाए तो डेट के हिसाब से, प्राचीनता के हिसाब से, तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख पाए गए हैं अभी तक वो हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन अभिलेख हैं। लेकिन वो अभी तक जो, चूंकि उस लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं तो वो अलग रखा जाता है। हालांकि प्राचीन है लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो अभी तक वो डिकोड नहीं कर पाए हैं उसको, तभी उससे उससे हमें कोई, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि कौन सी भाषा थी और क्या उनका जीवन था, कैसे लोग रहते थे, क्या वो करते थे। जो भी लिखा गया है वो आर्कियोलॉजी सर्वे के हिसाब से लिखा गया है, लिपि अभी नहीं, अभी तक जो है नहीं पढ़ पाए हैं। हाँ, दो विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये क्या बोलते हैं दावा किया है कि हमने जो है इसको हड़प्पा लिपि को पढ़ने में सफलता पाई है। उसका जब चैप्टर आएगा पूरा हड़प्पा का तब हम उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख साथियों प्राचीनता के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे शुद्ध जो पढ़े गए हैं अभी तक अभिलेख वो अशोक का कालीन अभिलेख है, जो कि 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप नाम के विद्वान हुए थे उन्होंने पढ़ा था। हालांकि इससे पहले भी एक दो विद्वानों ने कोशिश की थी लेकिन संपूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए थे। जेम्स प्रिंसेप जो थे ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अशोक अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। इसके बाद प्राचीनतम के हिसाब से देखा जाए तो जो पढ़े गए हैं शांतमूल का पाठ गंडीगुलम अभिलेख आता है, अभिलेखों की प्राचीनता में। और प्रमुख ताम्रपत्र, ताम्रलेख ले लेते हैं अब हम। ताम्रलेख जो है मौर्य युग का सौगोरा ताम्रपत्र आता है, सौगोरा पड़ता अपना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, जहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वहीं पर ही सौगोरा नाम की एक जगह है जहाँ पर मौर्य का ताम्रपत्र पाए गए हैं। इसके अलावा फिर संजोली का जो ताम्रपत्र है वो जो हूण शासक हुआ था तोरमान उससे संबंधित है। बंसखेड़ा अभिलेख, बंसखेड़ा ताम्रपत्र जो एक ऐसा ताम्रपत्र साथियों जो कि महाराजा हर्षवर्धन से संबंधित है, और इसके इस ताम्रपत्र के अंदर महाराजा हर्षवर्धन के सिग्नेचर साइन भी मिलते हैं हमें। ये एकमात्र अभिलेख अपने समय का जिसमें किसी राजा के सिग्नेचर मिलते हैं, साइन मिलते हैं हमें। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अभिलेख हो गए हमारे, अभिलेखों के बाद हमारी आती प्रशस्तियाँ जो कि किसी भी राजाओं के गुणगान करने के लिए जो लिखे जाते थे लेख, उन्हें हम प्रशस्तियाँ कहते हैं। राजाओं की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे गए उन्हें प्रशस्तियाँ कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से प्रमुख रूप से आते हैं साथियों, सबसे प्राचीनतम प्रशस्ति जो है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख को माना गया है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद गौतमीपुत्र शातकर्णी का नासिक गुफा अभिलेख, गौतमीपुत्र जो शातकर्णी जो था साथियों इसमें इसने निर्गत करवाया था नासिक गुफा अभिलेख के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद आ जाता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरी शताब्दी ईसा में लगभग 150 AD के लगभग ये ताम्र ये जो है लिखवाया गया था, और इसकी भाषा जो है संस्कृत है, और यह संस्कृत का लिखा गया अभी तक का पाया गया सबसे प्राचीनतम लेख माना गया है। इसके आगे आती है हमारा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो कि गुप्त राजा हुए थे। प्रयाग प्रशस्ति सबसे लोकप्रिय है, ये प्रयाग प्रशस्ति यानी कि प्रयाग में मिला था ये
प्रयाग जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पहले प्रयाग नाम था, बाद में बदलकर अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था, और अभी कुछ सालों पहले ही इसका दोबारा पुनः नामकरण किया गया माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा, पुनः इसका प्रयागराज कर दिया गया है। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग अभिलेख। पुलकेशिन टू का ये होल अभिलेख आ जाता है साथियों। पुलकेशिन टू का हमारा पुलकेशिन टू के में ही हाँ पुलकेशिन टू का ये होल अभिलेख आ जाता है। इसके बाद आता हमारा यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख। यशोधर्मन जो हुआ था उसका मंदसौर अभिलेख, जिसका कि लेखक हुआ था वासुल ने निर्गत लिखा था इसको साथियों। और इसमें लिखता है कि जिस मिहिरकुल ने शिव के अतिरिक्त किसी की भी वंदना नहीं की, उस मिहिरकुल से यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई, यानी कि अपने पांव पकड़वाए। इस कहने का तात्पर्य है कि मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित कर दिया था बहुत बुरी तरह से, जो कि मिहिरकुल जो है खून शासक था, जो कि शैव धर्म का मानने वाला था। इसके आगे आता हमारा मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख जो है साथियों, ये विष्णु को मानने वाले थे। मिहिर भोज राजा जो थे वैष्णव थे ये, और इनका जो ये शुरू होता है हमारा मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख, जो शुरुआत होती है इसकी विष्णु भगवान की स्तुति से शुरू होती है। विष्णु की स्तुति से शुरुआत होती है। ये तो हमारे प्रमुख हमने ले लिए हैं अभिलेख और प्रशस्तियाँ। अब हम कुछ प्रमुख अभिलेख और देखेंगे साथियों, जो प्राचीनता के हिसाब से हम काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनमें से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना होती है। तो साथियों अब हम जरा कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन अभिलेखों में आता है हमारा बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख साथियों 1380 BC यानी कि आज से लगभग 2000 ये साल लगा लीजिए साथियों, और 1400 पीछे यानी कि लगभग 3400 साल पहले का ये अभिलेख है, जो कि एशिया माइनर तुर्की में पाया गया था। और ये 1907 के अंदर विकलर नाम का जो विद्वान थे उन्होंने खोजा था 1907 में। इसकी लिपि जो है किलक लिपि होती है, और भाषा जो है भारोपीय भाषा है। इसमें एक दो शासकों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो संधि हुई थी, उसके बारे में वर्णन है। कौन कौन से शासक थे? हित्ती शासक जो थे सुबिलिम्त के नाम से, हित्ती शासक जो थे, और मित्तानी शासक जो थे वो मतियुज और सुबिलिम के जो दो शासक थे उस समय के, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, एक संधि हुई थी, जिसमें कि उन्होंने वैदिक देवताओं को पक्षकार बनाया था, वैदिक देवताओं की कसम खाई थी। साम्राज्य बंटवारे को लेकर के कुछ उनका वाद विवाद था, तो उनके बीच में एक संधि हो गई थी उस समय, और वैदिक देवता जो है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये चार वैदिक देवताओं का उल्लेख उसमें मिलता है 1400 BC के, जो लगभग 1400 BC या 1380 BC के बोगजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये वैदिक देवताओं का सबसे प्राचीनतम अभिलेख ही प्रमाण है हमारे पास साथियों। वैदिक देवताओं का अभिलेख ही अभिलेखों के माध्यम से सबसे प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है? बोगजकोई अभिलेख, इसमें कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन चार देवताओं का उल्लेख पाया गया है। इसके बाद आता है हमारा हेलियोडोरस का गरुड़स्तंभ अभिलेख। हेलियोडोरस साथियों तक्षशिला के का निवासी था, जो कि राजदूत था उस समय एंटीलियार कीड्स का, और ये शुंग शासक नोवा जो शुंग शासक हुआ था उसके समय काल में भारत आया था। तो उसने अपना बेस नगर विदिशा, उस समय की बेस विदिशा में अपना गरुड़स्तंभ अभिलेख खुदवाया था, और वो जो है ये भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। अभिलेख जो है भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम अभिलेख भागवत, यानी कि वैष्णव धर्म से, विष्णु का वो मानता था वैष्णव, और उसने यहाँ आकर के वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उसमें एक स्तंभ अभिलेख खुदवाया था, जिसके चोटी के ऊपर जो गरुड़ की मूर्ति थी। क्या थी? गरुड़ की मूर्ति थी। तो इसीलिए उसको हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहते हैं, तो जिसका कि भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है, जिसकी की लिपि ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि में वो अभिलेख खुदा हुआ है।
इसी प्रकार से आगे राबातक अभिलेख, राबातक अभिलेख साथियों आधुनिक अफगानिस्तान के सुर्खकोटल नामक स्थान पर है, जो कि एक काफिर का किला नामक पहाड़ी है, काफिर का किला एक पहाड़ी है जो कि इस्लामिस्टों ने उनका नाम रख दिया है कि काफिर का किला। हो सकता है किसी समय पुराने समय में इस्लामिस्टों हिंदुओं को भी नॉन मुस्लिम्स को काफिर ही बोलते हैं, तो उन्होंने तो हो सकता है मारकाट जब मची तो कुछ लोग हिंदू या नॉन मुस्लिम जो थे वहाँ इकट्ठे हो गए होंगे, तो उसके लिए के अंदर तो उन्होंने उसका नाम काफिर का किला रख दिया होगा। तो काफिर के किले में पाया गया है ये रबाता का अभिलेख, जो कि कनिष्क कुषाण राजा कनिष्क से संबंधित है, और इसमें कुषाणों की वंशावलियाँ मिलती हैं हमें। क्या मिलती है? कुषाणों की वंशावलियाँ, इसकी की ग्रीक लिपि और बैक्ट्रियाई भाषा है, ग्रीक लिपि और भाषा बैक्ट्रियाई है, कुषाणों की वंशावलियाँ मिलती है, और उसमें हमें मिलता है कनिष्क का संवत, कनिष्क संवत के बारे में भी इसमें हमें जानकारी मिलती है। तो ये रबाता का अभिलेख हमारा कंप्लीट। इसके बाद आता है विश्क का मथुरा अभिलेख, विश्क का मथुरा अभिलेख, ये भी एक साथियों कुषाण शासक ही था, कनिष्क के बाद हुआ था विश्क, और इसके अभिलेख में आटा पीसने वाली श्रेणी का भी उल्लेख है, और इसमें उल्लेख है कि जो श्रेणियाँ होती थी वो बैंकिंग का भी कार्य करती थी, बैंकिंग से जो जिसको आज हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, उस समय की जो श्रेणियाँ थी लोग श्रेणियाँ समझते होंगे शायद आप लोग, आधुनिक आज हम जिनको जातियाँ बोल देते हैं उस समय वो श्रेणियाँ बोली जाती थी, तो वो जो श्रेणियाँ होती थी कुछ उसमें वो बैंकिंग का भी कार्य करती थी, जिसमें से एक श्रेणी है उसमें उसके आटा पीसने का संदर्भ हमें मिलता है इसके मथुरा अभिलेख में। इसके बाद नानाघाट अभिलेख, जो कि सातकर्णी राजा हुए थे उनका अभिलेख है, जिसको जो कि चित्रफलक अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि इसमें दीवारों के ऊपर उत्कीर्ण है लग करीब आठ पुरुषों की आकृतियाँ, आठ आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई हैं, जिसलिए जिस कारण से चित्रफलक अभिलेख भी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है इसमें सॉरी 18 यज्ञों का उल्लेख मिलता है, और जिनमें से एक जो है अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया था, उसका भी उल्लेख हमें मिलता है नानाघाट अभिलेख में, और विभिन्न अवसरों पर दान देने का उल्लेख मिलता है, दान देने का उल्लेख मिलता है, और सातवाहन ही पहले राजा हुए थे जिन्होंने बौद्धों को ब्राह्मणों को और मंदिरों को दान दिया था साथियों, और इसके में 68,000 कारशापण उस समय की मुद्रा हुआ करती थी, सिक्के होते थे जिनको कारशापण बोलते थे, 68,000 कारशापण का दान देने का उल्लेख है उस समय इसमें नानाघाट अभिलेख में। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा हमारे प्रमुख अभिलेखों के बारे में आज हमने चर्चा की है, अब हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं साथियों रुद्र दमन के जो शक महाक्षत्रप जो हुआ था, शकों में महाक्षत्रप जो हुआ था रुद्र दमन, उसकी जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि खोजा गया था 1832 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो ये वही जेम्स प्रिंसेप है साथियों जिसने अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता पाई थी 1837 में। इसके आगे ये सेकंड एडी दूसरी शताब्दी में यानी कि 150 ईस्वी के लगभग का है, जिसकी की भाषा संस्कृत और चंपू शैली में लिखा गया है। यह प्राचीनतम संस्कृत भाषा का एकमात्र प्राचीनतम संस्कृत के अभिलेखों में से प्रमुख अभिलेख है, जिसकी की शैली जो है चंपू शैली है। चंपू शैली एक संस्कृत की विधा है साथियों, जो गद्य और पद्य दोनों में ही चलती है, गद्य और पद्य यानी कि पोएट्री और थ्योरिकल स्टोरी टाइप में दोनों में जो चलती है उसे हम चंपू शैली कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट डाउन कर सकते हैं, एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम एक साथ भी इसी अभिलेख में आता है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम एक साथ आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य का अकेले नाम का यह अकेला अपने आप में अकेला अभी तक का पाया गया अभिलेखीय प्रमाण है हमारे सामने, जिसमें कि 6 प्रकार के करों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें भाग बलि विष्टि प्रणय इस तरह से 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है हमें। इसमें सुदर्शन झील का भी हमें विवरण मिलता है साथियों, हालांकि अशोक 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है, अशोक रुद्रदमन और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य, ये चारों का हमें इनका प्रमुख उल्लेख मिलता है, लेकिन अशोक
का जो उल्लेख है वो केवल धम्म तक सीमित है। अशोक ने खाली धम्म से संबंधित बातें कही हैं, जबकि रुद्रदमन जो है इसमें सुदर्शन झील को के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। रुद्रदमन जो ये जो सुदर्शन झील जो बनाई गई थी उसको टूट गई थी रुद्रदमन के समय में, तो उसने अपने कोष से अपने खजाने से उसके दोबारा रिपेयरिंग कराई थी और उसका जनता पर कोई भी उसका अलग से भार नहीं डाला था, कोई पैसा जनता से नहीं लिया था। इसी प्रकार स्कंदगुप्त का भी इसमें जिक्र आता है। स्कंदगुप्त ने भी स्कंदगुप्त के समय में भी ये जो सुदर्शन झील थी ये इसमें दरार पड़ गई थी इसकी दीवारों में, स्कंदगुप्त ने भी इसकी रिपेयरिंग कराई थी, इसकी मरम्मत कराई थी। तो ये हमारा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है साथियों। अब साथ में हम चर्चा कर लेते हैं पुलकेशिन टू का एहोल अभिलेख। पुलकेशिन टू का एहोल अभिलेख साथियों कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था और इसमें जो है ब्राह्मी लिपि में है। ये किस में है? ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा, सॉरी दक्षिण ब्राह्मी लिपि में है ये, जो कि 634 AD में निर्गत कराया गया था 7th century में, जिसमें कि कालिदास और भारवी दो विद्वानों के एक साथ नाम आए हैं। कालिदास, ये क्वेश्चन नेट का साथ ही आया हुआ है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें कालिदास और भारवी का दोनों का एक साथ नाम आता है, तो वो पुलकेशिन टू का एहोल अभिलेख है जिसमें कालिदास और भारवी दोनों का एक साथ नाम आता है। इसमें कि इसमें महाभारत का युद्ध का वर्णन आता है, कली संवत भी आता है इसमें, शक संवत 558 AD में यह जारी किया गया था। अगर हम डेट निकालें महाभारत युद्ध की तो इसमें शब्द आता है हमारा त्रिशंतसु त्रिसहस्त्रेशु। ये एक शोध का विषय है साथियों, एक गहन शोध का विषय है कि त्रिशंतसु त्रिसहस्त्रेशु जो शब्द है, कुछ विद्वानों ने इसका अनुमान 3705 लगाया है और कुछ विद्वानों ने इसका अनुमान 3735 भी लगाया है। 3735 BC लगाया गया है इसमें, इस समय से कली संवत में ये अर्थ आता है। अगर इसमें से हम ये इसको घटा देते हैं, 3735 माइनस 634 माइनस 634, तो ये हमारा आ जाएगा 3101 और हाँ ये हमारी डेट आ जाती है महाभारत के युद्ध की, यानी कि इतने साल पहले, यानी कि आज से अगर 2022 अगर हम इसमें और जोड़ दें, दो अभी क्या चल रहा है 2022, तो 3215 लगभग 5000 साल पहले वही डेट, एग्जैक्ट डेट निकल के आ जाती है साथियों, जो हमारे पुराणों में और धर्मशास्त्र कहते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन आधुनिक इतिहासकार, कम्युनिस्ट इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। एक बात बताइए साथियों, आप खुद समझदार हैं, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट रहे हैं आप, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री होगी मेरे ख्याल से, तो आप एक सोचिए खुद, जब हमारे पास प्रमाण है इस चीज़ के, अभिलेखीय प्रमाण, वो भी साहित्यिक नहीं कि कोई किताबों में लिख दिया खाली, पत्थरों पर लिखा हुआ है ये पुलकेशिन टू का एहोल अभिलेख जो है साथियों, इसमें जिक्र आता है त्रिशंतसु त्रिसहस्त्रेशु का, डेट दी गई है बकायदा 3705 जिसके 3735 जिसको कि हम मान लेते हैं, तो मोटा मोटा हमारा डेट आ जाते हैं 5123 ईसा पूर्व जो है, आज से 5123 वर्ष पहले जो कि महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कि एग्जैक्ट डेट मैच करती है हमारे पुराणों और धर्मशास्त्रों से। बाबा रामदेव हो, चाहे लेट श्री राजीव दीक्षित हो, चाहे जितने भी राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, वो सब इसी बात को मानते हैं। लेकिन ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं, ये मार्क्सवादी इतिहासकार वो नहीं मानते, जिनमें से कि चाहे वो बीबी लाल हो, चाहे वो आर एस शर्मा हो, और चाहे वो डी डी कौशाम्बी या रोमिला थापर हो, ये लोग इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन जब हमारे पास एग्जैक्ट डेट है उसकी, हमारे पास प्रमाण है, तो हम क्यों ना माने, तो हम इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आज हमारा ये चैप्टर और इंस्क्रिप्शन अभिलेखों का चैप्टर, प्रमुख रूप से अभिलेखों की आज हमने चर्चा की है, इसमें प्रमुख प्रमुख अभिलेखों और उनकी डिटेल के बारे में हमने आज पढ़ा है, और कल हम इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। और आप बताइए हमें कमेंट्स के माध्यम से कि हमारा काम आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप हमें ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं।
सभी प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो आज की हमारी क्लास साथियों यहीं पर है। तो कल, हाँ कल आपके लिए एक टास्क रहेगा साथियों। टास्क ये है कि आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहला सिक्का, सिक्कों के बारे में सबसे पहला से पहले कौन से प्रकार के सिक्के थे, सबसे पहले सिक्के जो थे वो कौन से प्रकार के सिक्के प्रचलन में आए थे। उस आंसर का, इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। कल हम इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बनाए रहिए।